मध्य प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब सबको रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस चुनाव को लोग और राजनीतिक जानकार कांटे की टक्कर बता रहे हैं। लेकिन प्रदेश की ऐसी 10 सीटें हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशियों का खास दबदबा है, जिन पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई है। चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल इन सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन सीटों पर ही मध्य प्रदेश में खेल होगा, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के बागी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, और जानकारों की माने तो इन सीटों पर वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यही कारण है कि इन दोनों पर जो है दोनों ही दल यानी कि बीजेपी और कांग्रेस अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर परिणाम 2018 जैसे फंसता है तो अपने बागियों को समय रहते मना लिया जाएगा। आइए जानते हैं कि कौन सी है वो बागी सीटें और कौन है वो बागी। सबसे पहले बात कर लेते हैं महू सीट की। इस सीट से कांग्रेस के बागी अंतर सिंह दरबार चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अंतर सिंह दरबार मुसीबत बने हुए हैं। आलोट सीट, इस सीट से कांग्रेस सांसद और विधायक रहे प्रेमचंद गुड्डू निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन्होंने कांग्रेस छोड़ने से पहले कमलनाथ और दिग्विजय पर कई आरोप लगाए थे। गोटेगांव की बात करें तो यहां से कांग्रेस की पहली सूची में टिकट पाने वाले शेखर चौधरी का टिकट दूसरी लिस्ट में काट दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बगावत करते हुए आखिरकार निर्दलीय चुनावी मैदान में वो उतर गए, और इनका सामना जो है कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ होने वाला है। आगे बात करें मैनपुर सीट से, तो यहाँ पर प्रताप आर्य ने बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा है। बुरहानपुर भी बहुत अहम सीट है, और इस सीट की चर्चा विधानसभा चुनाव में हर बार रहती ही है, क्योंकि इस सीट को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हमेशा खेल बिगाड़ते हैं। इस बार यहाँ से सबसे मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान है, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के बेटे हैं। धार सीट की बात करें तो यहाँ से राजू यादव निर्दलीय चुनाव में है। राजू यादव की अगर हम बात करें तो राजू यादव के निर्दलीय चुनाव में होने के कारण यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिवनी सीट की बात करें, सिवनी और मालवा सीट पर जो है ओम रघुवंशी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। ओम इस सीट पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा तब से लेकर अब तक जमकर विवाद जो है वो हुआ था। नर्मदापुरम की बात करें तो यहाँ पर भगवती चौरे जो है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बड़नगर की बात करें तो राजेंद्र सोलंकी, इसके अलावा सिंधी विधानसभा सीट के कई बार विधायक केदारनाथ शुक्ला जो है वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं और ताल ठोक रहे हैं। इन निर्दलियों के होने से बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना जो है वो इस बार करना पड़ सकता है। तो वहीं अगर ये निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो दोनों ही दल अपने रूठे नेताओं को मनाने का प्रयास जरूर करेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।